हेलो, हम आ गए हैं एक नई गेम के रिव्यू के साथ। और आज की गेम है एक हॉरर गेम जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि हॉरर गेम है टीम टेरेबल की और गेम का नाम है, हॉरर म्यूजिक चल रहा है, द बेबी इन येलो। हॉरर टाइटल, हॉरर फीचर। अच्छा जी, वो कहते जी नाइट वन, प्रेस हेयर टू स्टार्ट। नाइट वन में वो हमें कुछ टास्क दे रहे हैं कि ये वाले टास्क आपने करने हैं। हमारे पास रिमूव एड्स हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास क्रेडिट्स हैं, और या प्रॉपर हॉरर जो मूवीज़ होती हैं उसका एक सीन बनाया हुआ है। और ये 0 और 6 क्या है? अच्छा, ये कोई कलेक्शन है जो हमें गेम प्ले के अंदर मिलेगी। डरने के लिए तैयार, चलते हैं गेम में और करते हैं यहाँ पे प्रेस हेयर टू स्टार्ट। और दूर एक बच्चा बैठा हुआ है, कॉर्नर पे नाइट वन लिखा हुआ है, और कह रहा है कि बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ। ओ तेरी खैर भैंस की, तुम इसकी आंखें कितनी डरावनी हैं। चलो जी, अब उसके लिए अब खैर, अब बच्चा तो डराना है, लेकिन हमें इसको खिलाना पिलाना तो है ना। इसके ये ओपन करते हैं दरवाज़ा। ओ, ये तो मेन डोर है, बाहर जाने का, हम बाहर नहीं जाएंगे। वैसे जितनी हॉरर फील आ रही है, मुझे बाहर जाना बनता है। अच्छा, ये किचन है, किचन में हम आ गए। अच्छा, ओ पूरी फ्रिज में एक फीडर, बच्चा भी तो एक ही है ना। चल जी, बाहर चलते हैं, बच्चे को फीड कराते हैं। और बच्चा को फीडर्स के पास जाते हुए डर लग रहा है। ओ भाई पीले, ओ यार ये तो हंसता भी है भाई, बच्चा हॉरर लेके हंसता भी है। अच्छा, वो कहते हैं चेंज बेबी टेक टू बेबी चेंजिंग टेबल। अच्छा, मुझे लगता है इसने कोई सुसु वुसु कर दिया है। ओ आई वेरी स्मेली, क्या इसकी बदबू उठ रही है इस वैसे। मुझे पेंट्री में जाना पड़ेगा, ये इस साइड पे पेंट्री है, और इसको मैं, वो चेंजिंग टेबल है इसके ऊपर, इसको यहाँ पे मैंने ये फेंक दिया। बच्चा डराने से लिए फेंका, क्यूट होता है ना, आराम से फेंक। ये जी पड़ी हुई है इसकी नैपी, नैपी को हमने उठाया, नैपी उड़ती है भाई, लेकिन ये मैंने, ओ बच्चा कहाँ पे गया यार, ये कुछ चमक रहा है, ये क्या है? नैपी पहन दी मैंने, इसके पास जाते हैं, इसको क्लब करते हैं। आ ब्यूटीफुल साउंड यार, असोल ट्रैप। अच्छा, ये वो 0 और 6 जो आ रहे थे ना, जो स्टार्ट में दिखा रहे थे वो है। अच्छा, नैपी हम दोबारा उठा लिया, और ये बच्चा कहाँ पे गया है हम देखते हैं। वो बैठा हुआ है यार, ये इतना छोटी, चल भी नहीं पाता, ये तो क्रॉल भी नहीं कर रहा, तो इतनी दूर कैसे हंसता। देखो कितनी डेंजरस स्माइल है ऐसी यार, एकदम से आ गया। आज के आगे टास्क मेरे पास, पुट बेबी टू बेड। तो बेडरूम आई गेस ऊपर होगा, तो हम ऊपर चलते हैं। ये दरवाज़ा लॉक्ड है, नेक्स्ट ये भी लॉक्ड है, और हम अब करते हैं क्या कि हाँ ये ओपन है। और ये आ गया हमारे डरावने बच्चे का कमरा। कमरा जितना खूबसूरत, बच्चा अपने ड्रोन। असल में इसकी जो आंखों की फील है ना, ये जो है डाली हुई है इसमें ना, जो अक्सर इफेक्ट उसकी स्माइल, एक वाइल्ड सी स्माइल और एक ड्रोनी सी आंखें। लाइट हमने बंद कर दी है, और दरवाज़ा करेंगे हम बंद, और ये बच्चा गया सो। ड्रोने बच्चे भी सोते हैं। अच्छा, वो कहते हैं वेट फॉर पेरेंट्स, तो हम नीचे चलते हैं, सोफे पे बैठे कुछ चिल पिल करते हैं, कुछ टीवी पे कोई मज़े की चीज़ देखते हैं अगर केवल आ रही हो तो। चलें जी नीचे आए, कहाँ पे है सोफ़ा? सोफ़ा सोफ़ा वो पड़ा हुआ है सोफ़ा। ओ भाई इधर इस साइड पे, मैं खुद भी लगता है, असल में हॉरर मूवी है ना, तो मूवी वाली फील आ रही, हॉरर मूवी वाली मुझे। अच्छा जी, फ्री सोल, एक और हमने फ्री सोल पकड़ ली, एक और चीज़ अनलॉक हो गया, और अब हम सोफ़ा पे बैठेंगे और टीवी पे। यार मुझे टीवी देख के वो द रिंग एक मूवी थी वो वाली फील आ रही, अभी इसके अंदर से वो लड़की निकलेगी पानी के साथ और मुझे पकड़ लेगी। ना भाई ना पकड़ी यार, मैं दिल का कमज़ोर आदमी, ऊपर से हॉरर मूवी खेली जा रहा हूँ, और वो बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है ये यार? ये बच्चे क्यों रोते हैं? डराने बच्चे भी रोते हैं। चलो चलते हैं इसके पास। कहाँ पे है दरवाज़ा? खुला हो गया यार, ये सीन मज़े का कुछ लग रहा है ये ना, मुझे लगता है कोई ना हॉरर टाइप कोई सीन है। हॉरर टाइप सीन क्या है? हॉरर ही है, इसलिए तो बच्चा गायब हो गया। बच्चा कहाँ पे? नीचे चलते हैं। वो कर ओए ये मुझे उठाओ यार, तू क्या चीज़ है भाई, कौन सी बला है तेरे अंदर? खुश हो गया लगता, मुझे पसंद करता है ये, पर मुझे डरा क्यों रहा है? अगर यार मुझे पसंद करता है तो चल अभी वापस बेड पे चल मेरा पुत्र, सो जा, बहुत ड्रामे कर लिए तूने। और इसको हम दोबारा से बेड के ऊपर है, ये हमने इसको सुट दिया, और हम चलेंगे वापस। अब लाइट बंद करते हैं दोबारा से, लाइट बंद किए बगैर तो नींद भी नहीं आती, तो हमें नहीं आती तो बच्चों को कहाँ से आती होगी। तो चलते हैं जी बाहर, और दरवाज़ा किया हमने बंद, और चिल आउट करते हैं नीचे, फिर टीवी के पास चलते हैं। टीवी भी एक हॉरर सा है। ओ ये क्या, ये पीछे से एकदम दरवाज़ा खुलने की आवाज़ की गई थी, लेकिन है तो कोई भी नहीं।
यार ये थोड़ा सा ना वो दे, ये झटके मरवा रहे हैं, धचके लगवा रहे हैं। चलो जी चलते हैं सोफे के पास दोबारा से हम। टेक अ चिल पिल मैन, हॉरर गेम है तो क्या हुआ, डरना भी ज़रूरी है लेकिन चिल भी ज़रूरी है। और ये कुछ हो रहा है, हो रहा है, धक 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 धक। पहली रात मैंने गुजार ली है और अब है बारी दूसरी रात की। क्या मैं दूसरी रात भी गुजार पाऊँगा इस डर के अंदर? चलो देखते हैं दूसरी रात में हम क्या करते हैं। ओके जी, टास्क वही है, फीड द बेबी। लेकिन ये काका है कहाँ पे? यार वो वाला बच्चा नहीं होना चाहिए, वो बहुत डरावना था, क्यूट सा बेबी होना चाहिए। कहाँ पे है भाई तू? ओ है कहाँ पे? ओ ये बैठा है शाना। ओ भाई क्या चीज़ है तू, टीवी के आगे बैठा हुआ है। यार ये बच्चा नहीं है, ये जिन का बच्चा है, जिन का बच्चा, यू नो जिन, जिन उसका बच्चा है ये। चलिए दोबारा से इसके लिए पकड़ते हैं फीडर हम, और इसको हम कुछ खिलाते पिलाते हैं ताकि इसका जो भूत है वो उतरे तो सही। ये जो भूत है ना, ये ओए यार ये क्या सीन, कौन है ये जिसने लाइट बंद कर दी, दरवाज़ा बंद कर दिया? मुझे लगता है ये कोई और भूत प्रेत नहीं है, ये बच्चा ही है का, ये गायब होगा ना यहाँ से, ये सारा इस बच्चे का वजह से हो रहा है, इसी के अंदर कोई चीज़ है, या ये खुद भूत है या घर के अंदर कोई और भूत है। और जी फिर से बास मारना शुरू हो गया, या कितना बदबूदार है तू, ये भूत मेरे ख्याल से इंसानी बच्चों से भी ज़्यादा बदबूदार होते हैं। तो लेके चलते हैं इसको दोबारा से बाथरूम के अंदर, इसको चेंज करते हैं इसकी नैपी, सुटते हैं इसको टेबल के ऊपर, और ये हमने इसको यहाँ पे प्यार से सुट दिया। और अब हम चलते हैं नैपी पकड़ने, और ये नैपी उठाई, तेरी खैर भैंस की, तू ये उड़ के कहाँ पे गई है? यार ये हैवी सीन हो गया, ये ऊपर गई है, ऐसे चाबी पड़ी है, चाबी उठाते हैं और हम चलते हैं ऊपर। चाबी असल में पिस्टल पकड़ी हुई है, यार ये नैपकिन पकड़ना बहुत कैच नैपी, वो कहता कैच, ओ भाई इधर मेरे पसीने छूट गए हैं डर से, वो कह रहा है कैच नैपी। यार ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है लेकिन डर भी बहुत लग रहा है। इधर कहीं पर पड़ी, वो पड़ी हुई है नैपी, तो अब हम इस नैपी को पकड़ते हैं, ये चाबी हम यहाँ पर फेंक देते हैं, अपने किस चीज़ की फ़र्क करो चाबी को, ये इधर नैपी लेके जाएँ। चलो जी नीचे चलते हैं, नीचे जा रहे हैं, ठक 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 ठक। यार ये जो म्यूजिक है ना हॉरर से, ये अच्छा है। अब है शुक्र है इस दफ़ा ये गायब नहीं हुआ, वरना मुझे पक्की उम्मीद थी गायब होगा ये। अरे जी इसको दोबारा से हम उठाते हैं बच्चे को, और हम इसको लेके चलते हैं। यार ये गसन मेरा गला बंद, यार ये डर के मारे गला बंद हो गया, ये एकदम उड़ के उधर कितने चली। यार ओए भूत प्रेत आत्मा, ओ कौन सी मंजूलिका तेरे अंदर भाई, मुझे ना डरा, मैं बड़े कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, और ये मुझे नहीं लगता मैं दूसरी रात सर्वाइव कर पाऊँगा, लेकिन करना पड़ेगा। इसको इस बेड पे लेटा के देखें, और कभी अच्छे बेड पे भी लेट जाकर। लेकिन वो कहता है भाई यहाँ पे नहीं लेटना, हमने इसको उठा के कहीं और लेके जाना पड़ेगा। ये भाई यार इसकी आँखें बोल रहा है, ओह देखी नहीं जा रही मुझसे, इसको मतलब इसके फेंक के आया इसके बेड के अंदर, ये गया बच्चा इसके अंदर। और जी गेम जो है वो इसमें हॉरर फील बड़ी अच्छी डाली हुई है, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये हॉरर गेम्स खेलने का, तो बहुत अच्छी गेम है। लेकिन मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ, दिल का कमज़ोर, तो मुझसे ज़्यादा ये खेली नहीं जाएगी। मैं नहीं जाना चाहता तीसरी रात पे, ये दूसरी रात बहुत बुरी। अम्मी मुझे वापस बुला लो घर, मैंने नहीं करनी है नौकरी। ये चिल आउट करने के लिए सोफे पे बिठा देते हैं और बाद में तरह निकाल देते हैं। ओके जी गेम बहुत अच्छी है, मैं इसको काफ़ी अच्छा रेट करना चाहूँगा, और मैं इसको 7/10 रेट करूँगा। और जाने से पहले तीसरी रात में मैं जा रहा हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। तब तक मैं तीसरी रात का नज़ारा लेके आया, और मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा सा और डर लूँ। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, मैं कुछ और रातें यहाँ पे एक डरावने से बच्चे के साथ गुजार लूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आएंगे एक नई गेम के रिव्यू के साथ, और मैं इस दफ़ा एक हॉरर गेम के रिव्यू के साथ नहीं आऊँगा, क्योंकि भाई डरना मैं नहीं है, आप लोग तो फॉरवर्ड आगे पीछे कर लोगे। ओके जी टेक केयर, बाय बाय।